What's up guys, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैंने आज से पहले कोई ऑफिशियल व्लॉग नहीं बनाया, तो मेरे काफ़ी फैमिली वाले कहते थे कि यार व्लॉग बनाओ, तुम अच्छी बातें वगैरह करते हो। तुम बहुत फनी मतलब बातें करते हो स्टेटस वगैरह पे, स्टोरी वगैरह पे। What? Bro, what are you talking about, man? तो अभी मेरा ऑफिशियल ये फर्स्ट व्लॉग है। अच्छा, और मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मुदस्सिर है और मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं यूएई में रहता हूँ, अबू धाबी में। और हेलो, और पाकिस्तान से मैं लाहौर से हूँ। और हेलो, और स्टडीज कर रहा हूँ मैं। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को सम... तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कुछ अभी नज़ारे। अभी कल रात को अबू धाबी में बहुत बारिश हुई थी, तो अभी पूरा व्यू उनका मिलेगा मज़े का। तो अभी हम देखेंगे क्या हम इंजॉय कर सकते हैं। अभी यूएई में भी बहुत ग्रीनरी हो गई है, देखो बैक साइड पे बिल्कुल ग्रीनरी है। अच्छा, जो हम कहते थे ना यार डेजर्ट है, गर्मी होती है, नहीं अभी वो मैंने अपर पहना हुआ है। अच्छा, बहुत सर्दी होती है, अब इतनी गर्मी नहीं होती इधर बहुत गर्मी होती है, तो जून जुलाई में होती है सिर्फ। और ये बहुत प्यारी इन्होंने जगह बनाई हुई है, पीछे मेरे बैक साइड पे देखो पूरा इन्होंने सीटिंग एरिया बनाया हुआ है और बहुत मज़े क्या है बनाया हुआ है इन्होंने। सो अभी मेरे सामने बिल्कुल ना यूएई का पैलेस, अबू धाबी का पैलेस, जहाँ पे 90s के शेख रहते थे, मतलब शेख जायद जो था वो इस पैलेस में रहता था, मनहाल पैलेस। और अब नहीं रहता, अब फोत हो गया है, अल्लाह जन्नत में जगह दे। जो बाकी हुए शेख हैं यूएई के दूसरे शेख, वो दूसरे पैलेस में रहते हैं। अभी पीछे एक फाउंटेन चल रहा है वैसे अकेला, और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा सिटिंग एरिया बनाया हुआ पूरा पैलेस के बिल्कुल सामने। तो हम देखते हैं और आगे, ये भी जो मैं एरिया में वो खालदिया एरिया, और यहाँ पे इतना ख़ास कुछ है नहीं देखने को। ख़ास जो है वो है डाउनटाउन वाली साइड पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वो इस साइड पे है। अभी मैं उसी साइड से आया हूँ वापस, मैं डाउनटाउन के बहुत करीब रहता हूँ, लेकिन अभी मैं आगे जा रहा हूँ, काला आ रहा हूँ भाई। ये है अभी पूरा एरिया इसका, खालदिया का सिटिंग एरिया जहाँ पे मैं आया हूँ। और काफ़ी इधर ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इधर, मतलब पाकिस्तान में जो सोच भी नहीं सकते ना वो ब्रांड है इधर। जैसे स्टारबक्स बहुत कॉमन है यहाँ पे, जॉली भी है, और टिम हॉर्टन्स मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी खुल गया है, और यहाँ पे तो बहुत देर का है। यहाँ पे एक है अलबेक, वो सऊदीया का है, लेकिन यहाँ पे बहुत वो फेमस है अलबेक। तो अभी ये यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बननी है, और ये भी एक फाउंटेन लगा हुआ है। 1 minute later ये मनहाल पैलेस, अभी मैं खालदिया की स्ट्रीट्स की तरफ जा रहा, अभी तक मनहाल पैलेस ख़त्म नहीं हुआ, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है देखो यहाँ पे, और वो एंड पे जहाँ पे आपको ब्राउन बिल्डिंग दिख रही है, ब्राउन बिल्डिंग वहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। बहुत बड़ा पैलेस है, मतलब ये बहुत बड़ा पैलेस है ये, मतलब उफ हद क्या बड़ा ये। तो अभी हमारी खालदिया की मार्केट शुरू हो गई है, देखो खालदिया की मार्केट बिल्कुल ऐसी है, देखो खालदिया की मार्केट बिल्कुल शुरू हो गई है अभी यहाँ से। अभी ये इन्होंने हर जगह डेकोरेशन की हुई है इसकी, अभी ये रमज़ान की डेकोरेशन की है इन्होंने, क्योंकि रमज़ान करीब ही है, और हर जगह इन्होंने कर दी है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी मुझे लगती है जगह, अच्छा यहाँ पे एक मज़े की चीज़ ये है कि इनकी जो स्ट्रीट है ना छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, जब अभी मैं रहता हूँ ना तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, मतलब खुली हैं, और वो बहुत रश होता है गाड़ियों का इधर, इतनी खुली नहीं है, मतलब इधर गाड़ियाँ कम है, उधर खामोशी बहुत है खालदिया में। जैसे हमारा DHA वगैरह में खामोशी है ना, तो खालदिया में वैसी है। और ये एक बेकरी है, मतलब तंदूर है, मतलब जैसे पाकिस्तान में तंदूर होता है ना रोटी वाला, ये वो था। और ये फ्रूट की है, फ्रूट वेजिटेबल की शॉप है। और ये एक यहाँ पे मुझे सबसे मज़ा आता है डेकोरेशन देखने का, यहाँ से डेकोरेशन स्टार्ट होती है सर। यहाँ पे मैंने बहुत डेकोरेशन देखी है, यहाँ पे पूरा नया रेस्टोरेंट रेडी किए हुए हैं, इसको अच्छा विजिट मज़ा आता है रात को, लेकिन रात को बहुत इधर रश होने लग जाता है, तो मैं अक्सर इसी टाइम आता हूँ और मज़ा करता हूँ यहाँ पे। अभी ये है पार्किंग एरिया पूरा, ये सब बहुत बहुत तंग है ये, मतलब जो ये एरिया ना बहुत तंग सा है, मतलब मज़ा आता है इधर रहने का, इतना रश नहीं होता।
बिल्डिंग्स है अबूधाबी की, जो अक्सर लोग कहते हैं कि बिल्डिंग्स दिखाओ हमें अबूधाबी की, भाई बिल्डिंग्स देखनी हमने, तो ये बिल्डिंग्स है, ये डोज खड़ी है। तो स्पोर्ट्स का बहुत आम है, को हर कोने पे एक डोज, एक मस्टैंग मिल ही जाती है। अभी ये पूरा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है पूरा एरिया, ये ब्रिंस वालों का पूरा। ये इन्होंने दरमियान में पीओ बॉक्स होता था ना, नहीं पीसीओ टाइप, ये वो है, मतलब ये आप यहाँ पे टेलीफोन कर सकते थे, यहाँ पे मतलब पूरी वो थी। अब तो बंद हो गया है ये सिस्टम, लेकिन बॉक्स उन्होंने लगा रहने दिया है डेकोरेशन के लिए। देखो ये बंद हो गया है बिल्कुल। यहाँ पे बहुत मज़ा आता था मुझे, वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अबू धाबी का, यहाँ पे मैं बात कर रहा था, ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डाउन टाउन, यहाँ पे मैं रहता हूँ उसके करीब ही बहुत। ये इस वक्त अबू धाबी की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये दो, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है इनकी, और बहुत मज़े की आइडिया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी आपको किसी दिन विज़िट कराऊंगा, इसके अंदर बकायदा एक पूरा मॉल है, और ये भी हम विज़िट करेंगे किसी दिन। अभी मेरा व्लॉग थोड़ा बोरिंग सा होगा, थका थका हो सा अरे कहना क्या चाहते हो, थका होगा क्या, मैं बोल रहा हूँ मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब हो गई है बिल्कुल, मेरी उर्दू खराब हो गई है इधर आके यूएई में आके। इंग्लिश तो बहुत ही ख़राब हो गई, इंग्लिश आप अगर आप परफेक्ट भी बोलते होंगे ना, तो यूएई में आके आपकी इंग्लिश ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इधर हर नेशन का बंदा है, हर नेशन का बंदा अपने मुताबिक इंग्लिश बोलता है, हर किसी ने अपनी इंग्लिश बनाई है, मलबार ने अपनी, पाकिस्तानियों की अपनी इंग्लिश, और बहुत आपको अक्सर मेरी स्टोरीज देख कर आइडिया होता होगा कि कैसी होती है आपकी इंग्लिश। मैं अक्सर लगाता हूँ इंग्लिश के ऊपर यहाँ पर स्टोरीज। और ये छोटा सा एक पार्क है, ये अभी बंद है, यहाँ पे भी हम किसी दिन विज़िट करेंगे, किसी दिन करेंगे, अभी बहुत जगह बंद है। और वो है कॉर्निश की बिल्डिंग, वो तो सामने बिल्कुल बड़ी, वो कॉर्निश की बिल्डिंग है, वहाँ से पूरा यूएई का मतलब ओशन नज़र आता है, मतलब अबू धाबी की जो रेंज में आता है वो सारा ओशन उस बिल्डिंग से नज़र आता है, तो उसको हम कॉर्निश की बिल्डिंग ही कहते हैं, असल में वो एक होटल है। और ये है चैरिटी बॉक्स, यहाँ पे आप अपने कपड़े डाल सकते हो गरीबों के लिए, मतलब अगर आपके पास कपड़ा है ना जो आपको छोटा हो गया है, आप चाहते हो कोई ज़रूरतमंद को मिल जाए, तो आप इधर डाल सकते हो इस बॉक्स के अंदर, और वो किसी को मिल जाएगा, मतलब किसी ऑर्फन हाउस में वो खुद ही सेंड कर देंगे। और यहाँ पे कैंप लगा था गज़ा के लिए, और ये लगा हुआ था गज़ा के लिए इन्होंने लगाया था कैंप, अभी कैंप में इधर भी इन्होंने चैरिटी लिया बहुत। ये है व्यू अबू धाबी का, अभी मैं इधर आ गया हूँ डाउनटाउन के अंदर, अभी यहाँ पे एक सिग्नल आएगा, वहाँ से डाउनटाउन स्टार्ट हो जाता है, अभी समझ लो मैं वो सिग्नल है, वहाँ से डाउनटाउन स्टार्ट होता है, ये सारा डाउनटाउन है, ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब डाउनटाउन में आती हैं, मतलब अबू धाबी की डाउनटाउन है, और वो है WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अबू धाबी का, और उसके नीचे बकायदा एक मॉल है, वो इस टाइम तो बिल्कुल बंद होगा, तो हम रात को विज़िट करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, फर्स्ट व्लॉग था मेरा, अब मैं सिर्फ अपना इंट्रो दिया है, अपनी जगह दिखाई है आसपास की, तो अच्छा कंटेंट लेते आएंगे अगर आप सपोर्ट करें तो। और बस अभी मेरा इतना ही आएगा, थोड़ा सा बोरिंग सा, और अपना लव दिखाओ यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करोगे, भाई देखो BM साहब का व्लॉगिंग चैनल आ गया, फाइनली आई गया, इतने लोगों ने कहा था कि भाई व्लॉगिंग चैनल बनाओ, फाइनली आ गया यार।